बच्चों, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल कटरा के सीखकर से मैं हिंदी अध्यापिका सुमिता, कक्षा एक पाठ 15। पाठ 15 का नाम है सजल ऊठ। तो आज हम पढ़ेंगे, पहले इससे पहले पढ़ लेते अंक तक मात्रा, आज पढ़ेंगे अह की मात्रा। इस पाठ में अह की मात्रा है। देखो अह एक, ये दो बिंदु होते हैं, इसको हम बोलते हैं तो किसकी ध्वनि आती है की ध्वनि आती है, और इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। देखो पहले अह की मात्रा के शब्द पढ़ते हैं, जैसे गय प्लस जय प्लस विसर्ग है, तो इसको लिखेंगे तब कैसे लिखा जाएगा, गज है। तो गज का मतलब क्या होता है, हाथी, इसका अर्थ होता है हाथी। फिर है प्रा, प्रा लिख देंगे, तय प्राग्ञ है, विसर्ग तो प्रातः है, प्रातः का अर्थ होता है सुबह है। फिर अगला वर्ड है न, फिर मैं नमः, आगे विसर्ग नमः है, नमः का क्या होता है, नमस्कार। फिर छ, विसर्ग छ बोलते हैं ना, संख्या होती है छः। तो ये है विसर्ग की मात्रा। है की ध्वनि होती है, दो बिंदी लगती है, ये ऐह की मात्रा, इसको बोलते हैं तो है की ध्वनि आती है, और इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं, विसर्ग का चिन्ह भी होता है। अब बुक ओपन करो, बुक में निकालो, पेज नंबर 49 पर है पार्ट 15 सजल ऊठ। ये पार्ट पढ़ते हैं हम। देखो बुक में, सजल प्रातः 6 बजे उठा, कि सजल है, प्रातः का अर्थ क्या होता है, सुबह, 6 का मतलब 6 ही होता है, संख्या होती है, कि सजल सुबह 6 बजे उठा, आज उसकी परीक्षा का दिन है, कि उसकी परीक्षा था, आज परीक्षा का दिन है, उसने दादाजी को नमः किया, नमः का क्या अर्थ होता है, नमस्कार, कि सुबह उठकर दादाजी को नमस्कार किया। दादाजी ने कहा अपना पाठ पुनः याद करो, पुनः का मतलब होता है दोबारा, कि दादाजी उसको कहते हैं कि अपना जो पाठ है वो दोबारा याद करो। स्नेह स्नेह विद्यालय जाओ, स्नेह स्नेह का मतलब होता है धीरे धीरे, कि धीरे धीरे विद्यालय जाओ, विद्यालय समय पर जाओ, और समय पर स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ, समय पर स्कूल में पहुँचो। तो ये छोटा सा पाठ है, ऐह की मात्रा है, ये आपको पढ़ना है। देखो और नीचे चित्र भी दिया हुआ है, जैसे हाथी का चित्र है, गय प्लस जय प्लस है गज है, गजय का अर्थ क्या होता है, हाथी। प्रा प्लस तय प्लस है प्रातः है, प्रातः का मतलब होता है सुबह। न प्लस मैं प्लस विसर्ग है तो नमः है, नमः का होता है नमस्कार। छः, ये 6 संख्या दी हुई है। और ऐसे देखो ऐह की मात्रा, विसर्ग की मात्रा वाले नीचे शब्द है, स्नेह है, अतः है, नमः है, सवतः है, मूलतः है, क्रमशः है, फलतः है, विशेषतः है, परिणामतः है, निह संकोच। तो ये मात्रा लास्ट में भी आती है और बीच में भी आ सकती है। निह संकोच दुख या दुखी हम लिखते हैं तो उसमें भी बीच में आती है। ये शब्द आपको भेज तो दिया था मैंने, और राइट भी करना है, आप एक बार उनकी रीडिंग भी कर लेना। थैंक यू।